नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी। सतवास कांडाफोर नगर के मैन बाजार में गुरुवार की देर रात को चोरों ने 5 से 6 दुकानों के शटर उचकाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मुख्य बाजार में इतनी दुकानों में एक साथ चोरी होना पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करता है। मोबाइल दुकान, प्रेस्टिटाइज और किराना दुकानों में हुई है चोरी। एक ही रात में इतनी दुकानों पर चोरी होना कई प्रश्नों को जन्म देता है। सुबह 4 बजे अपने घर से गुरुद्वारे जा रहे सुखपाल सिंह भाटिया ने सबसे पहले इस घटना को देखा और अन्य लोगों को बताकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन देखना ये होगा कि कब तक चोर पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। नगर के मुख्य बाजार में बड़ी ही आसानी से एक साथ कई दुकानों में चोरी होना चोरों के बुलंद हौसलों को दर्शाता है। लोगों का कहना है कि कांडाफोर्ड पुलिस देर रात निकल रहे अवैध रेत ट्रैक्टरों से वसूली तो कर सकती है, लेकिन नगर में गश्त नहीं कर सकती। नगर की मोबाइल दुकान पर हुई चोरी सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, जिसमें 4-5 लोग शटर उचकाते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर भी चोरों को ढूंढने में लगी हुई है। इसके अलावा नगर परिसर के द्वारा भी नगर के मुख्य चौराहे पर बड़े HD सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। अब देखना यह है कि इसके आधार पर पुलिस चोरों तक कब तक पहुंच पाती है। एक साथ कई दुकानों पर हुई चोरी की घटना की खबर लगते ही नगर के दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को देखने पहुंच गए और दुकानदारों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक दुकानदार दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही से उनकी पूरी कमाई पर पानी फिर जाता है। इस चोरी से नगर के अन्य दुकानदार भी अब दहशत में नजर आने लगे हैं। कोशिश अगर करे तो पकड़ा जाएंगे, बाकी अगर कोशिश नहीं करे ये तो कोई मोबाइल भरेगा जो तो कोई है ये बैग अपने उठा है, ये अपना बैग उठा, बैग भी तुम्हारा है। बताओ घर से चोरी करना आया, घर से थैली भी लेके नहीं आया। अरे वो बैग को मार इंदौर ले जा तो कम से कम तो कहीं पकड़ा जाए, लोड लेना चाहिए। देख कर तो भाई तो नगर में रात्रि में कुछ जगह चोरियां हुई है, लॉकडाउन ताले टूटे हैं, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? हाँ, कल रात्रि में जो है नंदलाल बारवाल की मोबाइल दुकान है कांटाफोड़ में, मीना मोबाइल के नाम से, उसकी दुकान के शटर और आसपास की जो दुकानें हैं ओम प्रकाश, इमरान, नितेश, श्याम, इनकी दुकान के भी आसपास में शटर उचका के घटना हुई है। इस संबंध में जो है नंदलाल की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। वहाँ CCTV फुटेज है, कैमरे लगे हैं, उनकी फुटेज के आधार पे जो है आरोपियों के पहचान करके शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर समय जगत के लिए सतवास से संवाददाता रविंद्र परमार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।